गाजीपुर से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। महिला पुरुष विकास की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी शौर्या सिंह, पगड़ी व अंगवस्त्रम से हुई सम्मानित। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर महिला पुरुष बाल उत्पीड़न व समाज के पनपते कुरीतियों पर एक आगाज एक आवाज के राष्ट्रीय पंजीकृत संगठन महिला पुरुष विकास फोरम का एक आवश्यक बैठक शहनाई पैलेस गाजीपुर में आहूत हुई। आज बैठक में उपस्थित सभी राष्ट्रीय प्रदेश व जिला कार्यकारिणी के बैठक में डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव राष्ट्रीय सलाहकार फोरम द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए गाजीपुर की वरिष्ठ समाज सेवी शौर्या सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से बैठक में उपस्थित पंकज दुबे, चेयरमैन चंद्रशेखर सिंह, राष्ट्रीय संरक्षक राजेश जायसवाल, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव मोहम्मद आलमगीर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मनीष जायसवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रीति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जयती जैन, प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ सलाहकार वसुंधरा प्रजापति, जिला अध्यक्ष संजय जायसवाल, मिश्रीलाल निषाद, सत्यदेव जायसवाल, संपत लाल, अमिता सिंह, नीलम सिंह, पूनम सिंह, अखिलेश सिंह ने सर्वसम्मति से उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। फोरम के चेयरमैन पंकज दुबे जी द्वारा पगड़ी पहना अंगवस्त्रम भेंट कर बुके दे सम्मानित किया गया और सभी पदाधिकारियों द्वारा पुष्प गुच्छा भेंट बुके दे सम्मानित किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में शौर्या सिंह ने किसी महिला पुरुष या बाल श्रम या किसी तरह के उत्पीड़न के लिए मैं निरंतर सतत प्रयास करते हुए फोरम के उद्देश्यों को पूरे भारत में अमल में लाते हुए फोरम को बहुत ऊंचाई देने का प्रयास व संगठन के सभी राष्ट्रीय प्रदेश व जिला की टीम को साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगी। बैठक की अध्यक्षता फोरम के राष्ट्रीय संरक्षक चंद्रशेखर सिंह जी व संचालन राजेश जायसवाल राष्ट्रीय प्रमुख सचिव ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबकी बहन बेटी इस जिले की गौरव सम्मानित परिवार से ताल्लुकात सामाजिक परिवार से ताल्लुकात रखने वाली शौर्या सिंह जी, हमारी फोरम की प्रदेश अध्यक्षा हम सबकी बहन और जनपद को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान देने वाली, विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अपने उत्कृष्ट कार्यों से सम्मान प्राप्त करके जनपद के नाम और गौरव को बढ़ा रही प्रीति सिंह जी, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हम सबके भाई और इस कार्यक्रम के लिए तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बहुत ही समर्पण और तन्मयता के साथ निरंतर कार्य करने वाले हम सबके भाई राजेश जायसवाल जी, इस फोरम के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हम सबकी जान और सबके लिए बहुत ही प्रिय भाई आलमगीर जी, हमारे छोटे भाई अमित जी, इस फोरम की दो सबसे छोटी बच्चियां हैं, इनको हम लोग कहते हैं कि और ये सबका दुलार बहुत प्राप्त करती है। एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रभारी जयती जैन जी और वसुंधरा जिला अध्यक्ष, और सबको एक सूत्र में बात कर बहुत ही तार्किक और प्रासंगिक बात कहने वाली, दुनिया के हर विषय पर सुझाव मांगने पर सुझाव देने वाली बहुत ही विनम्र हम सबकी बहन, और जो स्थापना काल से ही अपना अभूतपूर्व योगदान देती आ रही है, डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव जी, गाजीपुर के लिए कोई नया नाम भी नहीं है, समाज सेवा हो, राजनीति हो, शिक्षा हो, यहाँ उपस्थित उषा सिंह जी, पूनम सिंह जी सबकी बहन, आप प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हुई है, और नीलम दीदी और इनकी बहन का नाम अमिता सिंह, अमिता सिंह जी, आप लोग भी इस फोरम के जन्म काल से ही आपका योगदान सारे कार्यक्रमों में रहा है, और यह फोरम आज जिनको बहुत अधिक हृदय से सम्मान और अदब जिनके लिए करता है, अभी हमारे बीच लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से उपस्थित हुए हैं शशिकांत जी और भैया आपका नाम केएम शर्मा जी, आप सबका बहुत हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत। आज
आज का एजेंडा मुख्य रूप से यही था राष्ट्रीय अध्यक्ष का मोनोमेंट, जिस पर पिछले लगभग 2 महीनों से विचार चल रहा था। संपत जी से लेकर के जो इस ग्रुप के, इस फोरम के सबसे लंबे और तगड़े व्यक्ति, इनसे लेकर के और अंतिम व्यक्ति तक सबसे विचार विमर्श करके बीच में हम सारे लोग आ गए। बहुत गहन अध्ययन, बहुत गहन चिंतन के बाद एक नाम पर आम सहमति बनी। यह बहुत बड़ा विषय है, आम सहमति, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, किसी की कोई टीका टिप्पणी नहीं थी। उसमें अपने जो सबसे सीनियर लोग हैं उनसे भी परामर्श किया गया, हरिणी भाई साहब से मुखर सिंह जी, और आज का कार्यक्रम उन्हीं के मनोनयन के लिए समर्पित था। जैसा कि इस महिला पुरुष विकास फोरम का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले हम महिलाओं और पुरुषों के साथ जो उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है उसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, उसके लिए 2 कदम चल के मदद करेंगे। समाज के लिए उपयोगी जो कार्य हैं, पर्यावरण के लिए उपयोगी जो कार्य हैं, जो अंधविश्वासों और कुरीतियों के खिलाफ जो कार्यक्रम है, समाज को स्वच्छ रखने के लिए नशा उन्मूलन के जो कार्यक्रम है, उन सबके प्रति अपना एक दायित्व फोरम ने सुनिश्चित किया है और हम लोग निरंतर कदम दर कदम इसके लिए प्रयास करते रहेंगे, निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे, यही हम सबका संकल्प भी है। आज जितने लोग आए सबका बहुत हृदय से आभार है, अभिनंदन है, वंदन है। एक आग्रह जरूर है कि जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, जब भी कहीं बैठे हैं, अगर 10-5 मिनट समाज के अन्य विषयों पर बात हो तो इस फोरम को भी, हमारे मिश्रीलाल भैया हैं, दिन भर में 10 जगह जाना होता है, तो हमको लोग बताते हैं कि मिश्री जी चर्चा कर रहे थे आप लोगों ने कोई फोरम बनाया हुआ है, तो हम बताते हैं कि हम लोगों के ऊपर पदाधिकारी है। तो इसी तरह से थोड़ी चर्चा इसकी करके लोगों के बीच इस फोरम को इसी के साथ पुनः एक बार सौर्या जी को बहुत बहुत बधाई, हृदय की अनंत अपनी बात को समाप्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप 2 शब्द में सबके प्रति आभार व्यक्त करेंगी और उसके बाद आप लोग बिना मिठाई खाए रहेंगे।